किसान भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मैं हूं संदीप सिंह और आज आपको मैं विश्वकर्मा डेयरी फार्म जो कि गांव थोबड़िया खुर्द है और जिला झलावाड़ है राजस्थान में, यहां पर ये फार्म स्थित है। यहां के जो टॉप क्वालिटी के आपको तीन पशु मैं आपको दिखाऊंगा, यानी कि दो भैंस और एक बछड़ी है गिर काऊ की, यानी क्रॉस ब्रीड है, तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ये जो भैंस आप देख रहे हैं पहली बार इसको इसने बच्चा दिया था, अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो उम्र है वो 3 साल से भी कम है और इसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो प्रतिदिन की 14 लीटर है। यानी कि इन्होंने खुद ही यहाँ पर ब्रीडिंग करके इसको तैयार किया है। देख सकते हैं आप, छोटा मुंह है, छोटे सींग है, शरीर की बनावट काफ़ी शानदार है और अदर क्वालिटी अभी क्या है, सुबह का टाइम है, दूध निकल चुका है इसलिए आपको कम लग सकती है, लेकिन आप भैंस की क्वालिटी देखें बहुत ज़्यादा शानदार ये भैंस मुझे लगी। और अगर आप खरीद कर ना लाए और तैयार भी आप अपने फार्म पर कर सकते हैं अच्छे अच्छे पशुओं को। और ये जो भैंस आप देख रहे हैं ये चौथे ब्यात में है और इसका आर्डर की जो क्वालिटी है वो सबसे शानदार मुझे लगी, यानी कि आगे की तरफ इसका आर्डर ज़्यादा है। और अभी क्या है, इसका दूध निकाल लिया है, सुबह का टाइम है, 8 बजे है, वो तो इसका आर्डर आपको कम लग सकता है, लेकिन भैंस का जो आर्डर है बहुत ज़्यादा शानदार है। तो आप सिंगों को ना देख कर भैंस का दूध देखिए, अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो है महत्व दूध का होना चाहिए, क्योंकि इसके सिंग पूरे खुले हैं लेकिन भैंस की जो दूध उत्पादन क्षमता है वो काफ़ी शानदार है। यह भैंस प्रतिदिन का लगभग मान लो आप 18 लीटर दूध दे रही हैं अभी फ़िलहाल में, तो काफ़ी शानदार भैंस ये हैं। इसका शरीर आप देख सकते हैं सुडोल है और इसका आर्डर क्वालिटी भी बहुत शानदार। देखिए आप, आगे की तरफ इसका आर्डर ज़्यादा है, लेकिन अभी सुबह का समय है इसलिए थोड़ा आर्डर आपको कम लग सकता है। तो चलिए आगे आपको एक और जो गिर बछड़ी है, इन्होंने जो कि इनकी जर्सी काउ थी उससे इनसे इनको पैदा हुई है, यानी कि जो जर्सी काउ थी उसको क्रॉस करवाया था गिर का, तो वो बछड़ी आई है, तो चलिए उसको देखते हैं। ये देखिए ये जो बछड़ी हैं ये इन्होंने क्रॉस ब्रीड आप कह सकते हैं एक तरीके से, तो काफ़ी शानदार ये भी बनेगी क्योंकि इसका जो बनावट है मुँह की, कान की और शरीर की वो बहुत ज़्यादा शानदार है और शरीर भी इसका काफ़ी ज़्यादा सुडोल है। और देखिए थनों की बनावट अभी गाभिन है ये, लेकिन जब ये ब्याएगी तब इसका जो ऑर्डर है वो काफ़ी शानदार उभर कर आएगा और इसकी जो क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा शानदार हो जाएगी। लेकिन अभी क्रॉस ब्रीड होने के कारण आपको प्योर गिर तो ये नहीं लगेगी और ये है भी नहीं प्योर गिर, क्योंकि प्योर गिर जो गाय होती हैं पूरी अलग होती हैं, ये क्या है क्रॉस ब्रीड में, लेकिन है बहुत शानदार। क्योंकि अगर आप गाय तैयार करना चाहते हैं तो आप खरीद कर ना लाए तो भी आप अपने फार्म पर तैयार कर सकते हैं, यानी कि जो ब्रीडिंग करके आप काफ़ी अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और कैसे लगे आपको ये पशु कमेंट करके ज़रूर बताना, उम्मीद है आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी।